वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड इफ यू लाइक माय वीडियो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो टुडे वीडियो इज व्हाट्स इन माय बैग। सो बिना टाइम वेस्ट करे मैं पहले बताती हूँ ये बैग कहाँ से मैंने बाय किया है। ये बैग मैंने लिया है स्टीव मार्टिन से और मुझे इस बैग को बाय करे हुए अराउंड 1 ईयर या 2 ईयर्स में भी हो चुका है और अभी तक ये लाइक बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे अभी मैंने इसको मैं स्टोर से बाय करके लाई हूँ। सो मुझे इस बैग में ना सबसे पहले तो इसका लुक बहुत ज़्यादा पसंद आया था इसलिए मैंने इसको लिया। हाँ ये थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव है बट मेरे को बहुत क्यूट लगा इसलिए मैंने इसको बाय किया। इसके अंदर स्पेस भी बहुत है और सबसे अच्छी चीज़ कि मैं इसको अपने फ़ोन में इसको कनेक्ट करके मैं बात भी कर सकती हूँ बट ऐसा मैं करती नहीं हूँ बट इस बैग का ही प्लस पॉइंट है। सो लेट्स सी मेरे बैग के अंदर क्या क्या है। सो मैं अपने बैग ओपन कर रही हूँ। इसमें चेन नहीं है मतलब लाइक ऐसी टक करने वाला है। सो फर्स्ट मेरे बैग के अंदर मिलेगा मेरा वॉलेट जिसकी बहुत गंदी हालत हो चुकी है। इसको मैं अराउंड 4 ईयर्स से मैं यूज़ कर रही हूँ बिकॉज ये माइकल कॉर्स का है सो इट्स टू एक्सपेंसिव। सो मैं सोचती हूँ कि अरे जितने का मैंने इसको बाय किया उतना मैं पहले वसूल तो लूँ देन मैं इसको चेंज करूँगी। सो या इसमें मेरे कार्ड्स हैं कैश। सीरियसली मेरे पास सिर्फ यही है 120 रुपीज। ओके माई क्रेडिट कार्ड एंड माई कार्ड्स। सो इसको मैं अपने पर्स में तो ऑब्वियसली हर कोई अपना वॉलेट कैरी करता है तो मैंने भी कैरी कर रखा है। सेकेंड इज सैनिटाइजर जो कि मुझे टू बी ऑनेस्ट सच बताओ जब मैंने लाइक VLCC से मैंने मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स किया था तो मुझे उसकी किट में मिला था और ये अब भी यूज हो रहा है। बहुत ऑकवर्ड लगेगा बट या ये वही सैनिटाइजर है। सेकेंड वन इज रबर बैंड क्योंकि मेरा कभी भी ना लाइक पोनी वोनी करने का मन कर जाता है तो मैं हमेशा अपने बैग में रबर बैंड रखती हूँ। देन मिलेगा आपको ब्लशर। ब्लशर इज माई फेवरेट पार्ट ऑफ मेकअप सो मैं हमेशा ब्लशर अपने पास रखती हूँ। सो ये ब्लशर है जॉर्जियो अरमानी जो कि यहाँ पे नहीं मिलेगा मैंने बाहर से परचेज किया था। और देन हाइलाइटर। एक्चुअली मैं हाइलाइटर ब्लशर अपने पास इसलिए रखती हूँ क्योंकि मेरे प्लान्स ना लाइक ऐसे बनते हैं अगर मैं जैसे शॉपिंग पे गई हूँ तो सडनली प्लान बन जाएगा अरे यार रात को लाइक पार्टी चल रही है तो मुझे रेडी होने का ना लाइक घर आके चेंज करो तो मैं जहाँ पर हूँ वहीं पे फट 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 चलो चल रहे हैं। सो हाइलाइटर ये है मेबलिन का और ये हाइलाइटर बहुत प्यारा है बट अभी मैंने ये अप्लाई नहीं कर रखा अभी मैंने मेकअप रेवोल्यूशन का अप्लाई किया हुआ है। सो ये इसलिए क्योंकि मुझे अपने पर्स में बहुत ज़्यादा ब्रशेस ना रखने पड़े इसलिए मैं स्टिक वाली चीज़ें अपने पास लाइक बाहर ट्रैवल के लिए रखती हूँ। ओके देन ये है मेरा ब्लशर ब्रश ये मैंने बाय किया था फॉरएवर 21 से और ये बहुत सॉफ्ट है बहुत और इसे बाय किए हुए ना मुझे अराउंड 3-4 ईयर्स हो चुके हैं और ये इसके जो ये है ना ब्रश इतना सॉफ्ट इतना स्मूथ है कि मैं क्या बोलूँ से ये तो मेरा फेवरेट ब्रश है। देन एक्चुअली दिस इज़ अ लिपस्टिक जो कि मैंने अभी बाय की थी और मैं अपने पर्स में हमेशा 2 शेड्स रखती हूँ लाइक एक डार्क और एक लाइट मतलब अगर कहीं सडनली जाना पड़ गया तो मतलब आपके पास कुछ ना हो तो आप जस्ट एक डार्क लिपस्टिक अप्लाई करो एंड यू लुक गुड। तो मैं हमेशा 2 शेड्स तो मेरे पास हमेशा मिलेंगे एक लाइट एंड डार्क। सो ये मैंने अभी मंगाई थी इसका एक और शेड आई थिंक मेरे पास होगा या That one. ये दोनों शेड्स मैंने अभी मंगाए थे
और बोथ शेड आर नाइस. ये रेड मैंने अप्लाई किया हुआ है और ये ऑल दोज मैं हमेशा अप्लाई करके रखती हूँ. मेरी इंस्टाग्राम पे भी जितनी फोटोज हैं उसमें मैंने ज़्यादातर ये शेड अप्लाई किया हुआ है जब से मैंने इसको बाय किया है. सो ये दो शेड्स, और मैंने ये दोनों मैंने ख़रीदा था 990, और सीरियसली इस रेट में मुझे मार्च बॉक्स की लिपस्टिक मिली. That's so good. So ये दो शेड्स क्या मतलब, एक डार्क और एक लाइट शेड्स मैं हमेशा अपने पर्स में रखती हूँ. ये है मेरे पर्स के अंदर. और या शेड्स, दिस इज ये मैंने शीन से बाई किया था आई थिंक. हाँ, ये मैंने शीन से बाई किया था और ऑलमोस्ट इसको मैं हमेशा अप्लाई करके रखती हूँ. ये बहुत कूल लगता है लगाया हुआ. So one of my favorite shades. Then concealer. Concealer तो like मेरी जिंदगी है, इसके बिना मैं कुछ नहीं हूँ. So MAC का concealer है मेरे पास. It's AA6 नहीं, सॉरी इट्स अ NC30. और ये कंसीलर एक्चुअली मैक का, मैं इसको बहुत यूज़ करती हूँ. सी मम होने वाला है अभी ये. सो इसको मैं बहुत यूज़ करती हूँ. मैं फाउंडेशन कम यूज़ करती हूँ, कंसीलर ज़्यादा यूज़ करती हूँ. सो ये तो हमेशा मेरे मतलब हर बैग में मिलेगा. अगर मैं बैग एक्सचेंज करूँगी तो इसको मुझे अपने बैग के अंदर रखना है. सो ये है. और या थोड़ा सा डर्टी हो रहा है स्पॉन्ज. आई नो ये अंडर आई स्पॉन्ज है, बट मैं अपना कंसीलर पूरे फेस पे इस छोटे से स्पॉन्ज से करती हूँ. डोंट नो व्हाई, मुझे शायद यही पसंद आता है. सो ये थोड़ा डर्टी हो रहा है तो इट्स ओके. ये भी मेरी जिंदगी है. ये और कंसीलर तो मुझे हमेशा चाहिए. देन वन मोर लिपस्टिक. दिस लिपस्टिक फ्रॉम शैनल जो भी है शैनल. सो ये है रोज 174. ओके, मैं ये शेड भी दिखा देती हूँ. एक्चुअली मुझे ना बहुत ज़्यादा लाइक लिपस्टिक के ऊपर लिपस्टिक लगाने की आदत है, तो थोड़े से ना कूल शेड्स बन जाते हैं. तो इस देन माई वॉच. ये भी माइकल कॉर्स की मेरी वॉच है. मैं एक्चुअली, मुझे वॉच पहनने का बहुत शौक है, तो मैं हमेशा अपने पर्स में वॉच रखती हूँ. मतलब जो भी मुझे जाते टाइम मिल जाती है मैं उसको रख लेती हूँ और बाहर उसको पहन लेती हूँ. और ये क्यों नहीं पहनती आता है. सो माई बैग इज तांजाना. कुछ निकला या ये किसी का कार्ड है. सो माई बैग इज तांजाना. सो मैं अपने बैग में ये सब कुछ रखती हूँ. बहुत मेसी था बट या मज़ा आया ये वीडियो बनाते हुए. सो गाइस, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट्स सब करना. सो और हाँ, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो. माय इंस्टाग्राम आईडी इज अंशिका पॉल. आप वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो. और अगर कोई क्वेश्चंस पूछना हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो. मैं वहाँ पे आप सब लोगों का रिप्लाई दूंगी.